दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी 2024 में ट्रांसफार्मर लेस सोलर इन्वर्टर खरीदने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कि दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत का पहला जो ट्रांसफार्मर लेस सोलर इन्वर्टर है वो भारत में बना दिया है। देखिए दोस्तों ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है। जैसे कि हम देखे हैं तो पंजाब हरियाणा में कई लोग हैं, आपको यूट्यूब पर उनके वीडियो मिल जाएंगे। कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा मैं किसी का भी, बट बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जो कि क्लेम करते हैं कि उन्होंने भारत का पहला जो ट्रांसफार्मर लेस सोलर इन्वर्टर है वो बना दिया है और कई लोगों के घर पे वो चल भी रहे हैं, उन्होंने बना भी दिया है। तो दोस्तों कोई भी कस्टमर है उनको अगर कोई मेड इन इंडिया के नाम पर कोई भी कस्टमर किसी सोलर इन्वर्टर को ख़रीदने के लिए अगर ख़ुद को कन्विंस करता है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट देखकर, तो दोस्तों कुछ बातें उन सभी को जान लेनी चाहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी कस्टमर के साथ कोई धोखा हो, और दोस्तों किसी कंपनी या किसी भी व्यक्ति से मेरा कोई लिंक नहीं है, न ही मैं किसी के बारे में नेगेटिव बोलूँगा इस वीडियो में। मैं केवल एक कस्टमर के जो अधिकार है उनके बारे में बात करने वाला हूँ। ये प्रत्येक कस्टमर का अधिकार है और वास्तव में उनको जान लेना चाहिए कि सब चीज़ें अवेलेबल है या नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे या हरियाणा के हो, या फिर कई किसी भी कंपनी में कहीं भी यूट्यूब पे लॉन्च हो रहा हो कोई भी इन्वर्टर, अगर वो मेड इन इंडिया का क्लेम करता है तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन उनको इन्वर्टर ख़रीदने से पहले जो भी सेलर है, जो भी अपने इन्वर्टर बेच रहे हैं मेड इन इंडिया के नाम पर या फिर लॉन्च कर रहे हैं, तो उनसे पूछना चाहिए। पहली चीज़, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमने भारत में पहला बना हुआ ट्रांसफार्मर लेस सोलर इन्वर्टर बना दिया, जीरो पावर लॉस होगा, पता नहीं क्या क्या वादे कर रहे हैं। दोस्तों ये सब नई बात नहीं है, ये सब पहले भी हो चुकी है, कई बार आपने देखा होगा, नाम तो नहीं लूँगा मैं। रात में लाइट बनाने वाले, दिन में बिजली बनाने वाले, ये सारी बातें कई कंपनियाँ कर चुकी है। अब दोस्तों ये नया कॉन्सेप्ट है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो रात को बिजली बनाने वाला कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया, अब ये मेड इन इंडिया का नया कॉन्सेप्ट आया है। जो भी आता है कि भारत में बना हुआ प्रोडक्ट है आप खरीद लो। अब देखिए दोस्तों चार पांच चीज़ें सभी लोगों को जान लेनी चाहिए। अगर भारत में बना हुआ है तो भाई जो भी लोग क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने भारत में बना हुआ पहला ट्रांसफार्मर लेस सोलर इन्वर्टर बना दिया, तो भाई आप खुद का प्लांट दिखाइए एक बार सभी व्यूवर्स को। जहाँ पर भी आपके इन्वर्टर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो प्लांट आप दिखा दीजिए, कल को पता चले कि जो केवल इन्वर्टर का बॉक्स है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, बाकी सारा इन्वर्टर बाहर से आ रहा है और उस पर अपना अपना लेबलिंग करके मार्केटिंग करके और उसको बेच रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक व्यूअर को जो भी मतलब केवल यूट्यूब पर अपना इन्वर्टर लॉन्च कर रहे हैं, तो उन प्रत्येक कस्टमर का अधिकार है कि एक बार जो भी ओनर है या जो भी व्यक्ति बेच रहा है उससे बोलिए कि सर एक बार प्लीज़ आपका प्लांट हमें दिखा दीजिए, जिससे हमें विश्वास हो जाए कि हाँ वास्तव में इन्वर्टर भारत में बन रहा है। नहीं तो कल को पता चलेगा कि जो ऊपर का बॉक्स है केवल वो भारत में बन रहा है, बाकी सब बाहर से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपका इन्वर्टर, यदि किसी भी कंपनी का इन्वर्टर भारत में बना हुआ है, सही बात है भारत में बना हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अप्रूव लेना होगा मार्केट में उतारने से पहले, जैसे BIS से अप्रूव होगा और भी ISI, बहुत सारे अप्रूवल होते हैं दोस्तों। BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वहाँ से हमें अप्रूवल लेना होता है और वहाँ पे इन्वर्टर को टेस्टिंग के लिए भेजना होता है। तो अगर भारत में बना हुआ प्रोडक्ट है तो क्या आपने BIS से अप्रूव लिया है? जो भी अप्रूवल है वो आप इन्वर्टर पर दिखाइए, जो भी आपने टेस्टिंग उसकी रिपोर्ट है, जो भी चीज़ें आपने ली है उसी के बाद वो चीज़ें देखना ज़रूरी है कि BIS जो भी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को अप्रूव करने के लिए, क्या वहाँ से अप्रूवल है या नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, ज़्यादातर इन्वर्टर जितने भी मैंने देखे, चाहे पंजाब हरियाणा के देखो या अभी कोई लॉन्च हो रहा है वो भी आप देख लो, सभी ऐसे इन्वर्टर है जो कि बिना बैटरी वाले हैं और मतलब डायरेक्ट सोलर पैनल से घर का लोड चलाते हैं। बहुत सारे इन्वर्टर आपको दिख जाएंगे यूट्यूब पर दोस्तों उन लोगों से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि देखिए सोलर एनर्जी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। सोलर एनर्जी हमेशा स्टेबल नहीं रहती है, मतलब एक समान नहीं रहती है। दिन के 12 बजे आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, सुबह शाम कम एनर्जी मिलेगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें बैटरी या ग्रिड का सपोर्ट बैक में चाहिए, ताकि उसमें मिक्स करके वो हमारे घर का लोड चला सके। तो जो भी लोग ऐसे इन्वर्टर बेच रहे हैं उनको चाहिए कि वास्तव में उसमें एक बैटरी का सपोर्ट भी दें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आए वो बैटरी में चली जाए।
और फिर जब भी हमें ज़रूरत पड़े सुबह शाम के टाइम, तो बैटरी से एनर्जी ले लें या फिर ग्रिड से, ग्रिड के साथ कंबाइंड होकर आपके घर का लोड चलाएं। जब भी कम एनर्जी आ रही है तो ग्रिड से भी एनर्जी ले। तो ये वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए था। अब दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जिनका सुबह शाम भी लोड चलता है, तो वो क्या करेंगे, केवल दिन में लोड चला के फ्री हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और दोस्तों लास्ट चीज़ है कि देखिए, आफ्टर सेल सर्विस, अगर कोई भी इन्वर्टर आप ख़रीद रहे हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे मेड इन इंडिया हो, चाहे बाहर से भी इंपोर्ट किया हो आपने, बट आफ्टर सेल सर्विस उसकी अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, अभी तो कोई कंपनी है वादा कर रही है कि हम आफ्टर सेल सर्विस देंगे, और बाद में पता चले कि कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, इन्वर्टर बेच के कंपनी फ्री हो गई और आपको कोई भी सर्विस नहीं मिल रही। तो दोस्तों ये भी अश्योर कर लेना है कि जो इन्वर्टर आप ख़रीद रहे हो उसकी आफ्टर सेल सर्विस आपको मिलेगी ही मिलेगी, या नहीं मिलेगी जो भी है वो आपको जान लेना चाहिए। दोस्तों ये सारे अधिकार एक कस्टमर के हैं, तो ये सारे के सारे अधिकार हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है। तो कोई भी अगर व्यक्ति क्लेम करता है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को पहले कंफर्म कर लेनी है, उसके बाद ही इन्वर्टर पे जाना है। देखिए, मैंने किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोला, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ यूट्यूब पर। जो कस्टमर के अधिकार है, जो एक जो बायर व्यक्ति है उसके जो अधिकार है, उन्हीं के बारे में मैंने केवल इस वीडियो में बात की है, क्योंकि किसी के भी हमें अंधे भक्त नहीं बनना है, वही चीज़ लेना है जो हमारे लिए सही हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।